अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की रेसिपी है रेड वेलवेट केक विद व्हिप्ड क्रीम फ्रॉस्टिंग। सबसे पहले हम बनाएंगे स्पॉन्ज, जिसके लिए मैंने बोल में लिया है 3/4 कप बटर। बटर शुड बी सॉफ्ट एंड एट रूम टेम्परेचर। अब इसमें ऐड किया 3/4 कप ग्रेनुलेटेड शुगर एंड 1 टीस्पून वनीला एसेंस। इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से बीट करेंगे ताकि बटर सॉफ्ट और फ्लफी हो जाए और शुगर अच्छे से वेल कम्बाइंड हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 3 eggs। eggs हमने 1 by 1 ऐड करना है और साथ साथ मिक्स करते जाना है। ये जा रहा है 2nd egg। और अब मैं ऐड कर रही हूँ 3rd egg। एग्स को अच्छे से बीट करें ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स वेल कम्बाइंड फॉर्म में आ जाएं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप बटर मिल्क। बटर मिल्क बनाने के लिए आप 1 कप मिल्क में 1 टेबलस्पून विनीगर ऐड करें, मिक्स करें, 2 मिनट्स के लिए छोड़ दें और आपका बटर मिल्क रेडी हो जाएगा। फूड कलर मैंने यूज़ किया है पाउडर्ड। 1 टीस्पून आप रेड फूड कलर ऐड करेंगे। अगर आपके पास जेल कलर है तो आप 4 to 5 ड्रॉप्स कलर के ऐड करें और अच्छे से मिक्स कर दें। यहाँ पे हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं रेडी। इन्हें अब एक साइड पे कर देंगे और अब हमने प्रिपेयर करने हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ड्राई में मैं यूज़ कर रही हूँ 2 कप्स ऑल पर्पस फ्लावर। साथ ही इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर। बेकिंग सोडा मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून एंड 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और सॉल्ट इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सिफ्ट कर लें और मिक्स करके एक साइड पे कर दें। अब हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे वेट में। एकदम से सारे ऐड नहीं करेंगे, 2 बैचेस में ऐड करें, साथ साथ आप मिक्स करते जाएं। हैंड विस्क से भी आप कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक बीटर से। आपने लो स्पीड पे इसे मिक्स करना है। ओवर मिक्स नहीं करेंगे, बस इतना करें कि सब इंग्रेडिएंट्स वेल कम्बाइंड हो जाएं। तब तक मिक्स करें जब तक फ्लावर अच्छे से लिक्विड में मिक्स हो जाए। साइड से भी आप स्क्रैप कर लें। ये आप देखें कि बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। साथ ही मैंने अवन को प्री हीट पर लगा दिया है एट 180 डिग्री सेल्सियस। अवन को हम 25 to 30 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लेंगे। और अब मैंने 7 इंचेस के 2 पैन यूज़ किए हैं। उसे हम ऑयल से ग्रीस करेंगे, उसमें फ्लावर डस्ट करें और दोनों में 1/2 बैटर को पोर कर दें। अगर आप चाहें तो आप एक ही पैन यूज़ कर लें 8 to 9 इंचेस का। मैंने यहाँ पे 7 इंच के 2 पैन यूज़ किए हैं। अब दोनों में अपना बैटर पोर करें, अच्छे से स्प्रेड कर दें, 3 to 4 टाइम्स टैप करें ताकि एयर बबल्स रिमूव हो जाएं। और उसके बाद हम इन्हें बेक करेंगे फॉर अबाउट 30 to 35 मिनट्स। 30 मिनट्स के बाद आप टूथपिक इंसर्ट करके चेक कर लें। अगर वो क्लीन हो दैट मीन्स कि आपकी केक परफेक्टली बेक हो चुके हैं। ये मैंने केक्स को अवन में रख दिया। ये देखें, केक्स बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुके हैं। 10 मिनट्स मोल्ड में कूल डाउन करने के बाद हम इन्हें मोल्ड से निकालेंगे और फ्रॉस्टिंग से पहले रूम टेम्परेचर तक कम्प्लीटली कूल डाउन कर लें। अब फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने लिए है 400 ग्राम्स व्हिपिंग क्रीम। क्रीम शुड बी चिल्ड बिफोर व्हिपिंग। सो मैंने चिल्ड क्रीम को ऐड किया है। किसी भी आप स्टील या सिल्वर के बोल में ऐड करें और नीचे अलग से बड़े बोल में ऐड कर दें आप चिल्ड वाटर और कुछ आइस क्यूब्स। इस तरह आपकी क्रीम बहुत अच्छे से बन जाएगी गर्मी के मौसम में। हमारी तरफ आज इन दिनों काफ़ी गर्मी है, सो व्हिपिंग क्रीम बनाना भी एक इशू है। अगर आप अच्छे से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें
तो आप बहुत इजीली व्हिपिंग क्रीम बना सकते हैं। तब तक बीट करें जब तक सॉफ्ट पीक्स या स्टिफ पीक्स आपके पास आ जाएं। मैंने विपी विप की विपिंग क्रीम यूज़ की है, उसमें शुगर ऑलरेडी एडेड होती है, सो इसलिए मैं शुगर ऐड नहीं कर रही। ये देखें, फ्रॉस्टिंग मेरी बन गई। अब हम केक को असेंबल करेंगे। सबसे पहले आप लगा दें किसी भी ट्रे में जिसमें आपने केक रखना है, नीचे थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग लगाएं, फर्स्ट केक की लेयर ऐड करें, उसे फ्रॉस्टिंग से कम्प्लीटली कवर करें। इसके बाद हम इस पे ऐड करेंगे केक की सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर को भी कवर कर दें और साइड्स पे भी अच्छे से आप फ्रॉस्टिंग लगा दें। इट्स रिकमेंडेड कि आप पहले फर्स्ट लेयर लगाएं फ्रॉस्टिंग की, उसके बाद 15 to 20 मिनट्स के लिए चिल करें और फिर दोबारा से फ्रॉस्टिंग लगाएं, तो वो बहुत नीट लुक देती है। साइड से आप लेवल कर लें। इसके बाद हमने ऊपर ऐड किया है ड्रिप। ड्रिप के लिए मैंने यूज़ की है, सॉरी, ड्रिप बनाने से पहले आप केक को चिल करेंगे और आपने ड्रिप तब ऐड करना है जब आपका केक चिल्ड हो। एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए आप उसे फ्रिज में रखते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1/3 कप वाइट चॉकलेट एंड 2 टेबल स्पून मिल्क चॉकलेट। उस पर मैंने पोर किया 4 टेबल स्पून हॉट क्रीम। इसे 4 to 5 मिनट्स के लिए छोड़ दें। कलरिंग ऐड करें, 1/2 टीस्पून मैंने रेड कलर ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स करें कि इसमें कोई लम्ब्स ना रहें। अगर कुछ लम्ब्स रह जाते हैं तो आप फ्यू सेकंड्स के लिए इसे माइक्रोवेव करें, फिर अच्छे से मिक्स करें। ये देखें, यहाँ पे मेरा ड्रिप बन गया। अब केक पे मैं इसे पोर करूँगी और स्पून से या पाइपिंग बैग से आप अच्छी तरह से इसे फैला लें। डेकोरेशन टोटली ऑप्शनल है, आप जिस तरह से चाहें अपने केक को डेकोरेट कर लें। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट बना है और लेयरिंग किस तरह से आई है। ये देखिए। आई होप यू लाइक माई रेसिपी। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।